एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई बताओ, दो दो बजे उठता कोई? हम उठते हैं क्योंकि भाई हम सोने ही 4:30 बजे गए हैं सुबह, और भाई इतनी नींद आती है ना, और बिल्कुल भी मन नहीं करता बेड से उठने का। अभी भी विशाली ने उठाया मेरे को, वो भी इसलिए उठा दिया क्योंकि भूख लगने लग गई थी, तो इस वजह से उठा दिया विशाली ने। और विशाली की हालत खुद की देख लो क्या हो रखी है। भाई साहब क्या बनी हुआ अलादीन? मैं कह रहा हूँ दो दो बजे कौन उठता है यार। मेरा चलता है, मेरे पास छोटा बच्चा है। अब मेरा भी चलता है, वो दो ही छुट्टियाँ मिलती है इस हफ्ते में। और ऑस्टिन को वही मैं छत पे सुसु करा लाया क्योंकि भाई बहुत धूप है। और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट पनीर की सब्जी के साथ, और साथ में दो पराठे। शिवाना बाहर अपने दादा दादी के साथ। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, थोड़ी एनर्जी ले आता हूँ, लंच कर लेता हूँ मतलब, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। Good morning from Sivana and Mama and Dada, and Sivana is having her first meal, that is banana mash. Karega bapu aur papa dikhne na Sivana ko kaha hai hani na iski phook marta piche usko itni gudgudi hoti hai kanda utha rahi hai तो डैडा कच्चे डैडा के पूरे मुंह पे इसके केला लगा हुआ है। पता है इसका दिन है और ये पकड़ा गया, तो इसमें इतनी चिड़ हो रही है कि मैं हाथ कैसे आएगा। नहीं कुछ ऐसा है कि 4:30 हो रहे हैं, थोड़ी धूप भी हल्की हो चुकी है। अब मैं ऑक्सीजन को ले आया हूँ छत पे, क्योंकि अब मैं आज इसको छत पे नहलाने की कोशिश करूंगा। देखो अपने पास ना पाइप वाइप है, तो आराम से इसको छत पे नहला सकता हूँ। इसके मैं ये सामान लेकर आ गया हूँ नीचे। फिर एक तो ऐसा कोई डब्बे से नहलाना पड़ता है, मतलब मज़ा नहीं आता उसमें, और दूसरी बात यह है कि फिर ये पूरा कमरे घर में इधर उधर भागता है, और सारे बेड की चदरें वदरे सब गंदी करता है खुद को सुखाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर सूख भी जाएगा, बट अभी इसको थोड़ी सी ना गर्मी फील हो रही है। अभी पानी डालेगा बेटा, मस्त हो जाएगा तू। बट ये डरा हुआ है बिल्कुल, इसको पता चल गया कि इसके नहाने की बारी आज। भाई साहब साबुन लगाने में इतना टाइम लग गया, अब सीधा पानी डालूंगा साफ हो जाएगा एकदम। थोड़ा सा ना कम ही था शैम्पू, बट वैसे भी कम ही लगाना चाहिए, ज़्यादा लगाने से ना फिर वो उतरता नहीं जल्दी। बट इसको भी ठीक ही लग रहा है, अभी ये परेशान हो नहीं रहा। पानी से तो वैसे ही दिक्कत है इसको, बट गर्मी मतलब इतनी वो नहीं लग रही इसको, एटलीस्ट ठंडा ठंडा पानी लग रहा है अब। चलो मैं नहला लेता हूँ इसको अच्छे से। देख लो नज़ारे, मैंने इसका एक कारपेट भी छा दिया है यहाँ पे, ताकि ये खुद को साफ कर सके, अच्छे से साफ हो जाएगा। भाई मैक्सिमम तो ऐसे ही सूख गया है, वरना इसको नीचे सुखाना बहुत मुश्किल होता है, ड्रायर यूज़ करना पड़ता है। हालांकि मैं ड्रायर लाया हूँ, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने टावल से पूछ दिया सूख गया, क्योंकि खुला है ना सारा मतलब थोड़ी। तो जी मैंने सोचा था ऑस्टिन को नहला धुला के थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि कमर तो टूटती है ना भाई ऐसे झुके झुके रहो। तो मैं आया नीचे लेटने, बट हमार महरारू ने कहीं जाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि संडे है, घर पे तो हम टिक नहीं सकते हैं, है ना काके? काका दिखाता हूँ अभी मैं आपको जरा। ये देखो ये बच्चा निन्नी से उठा, उसके बाद सिर्फ देख रहा है इधर उधर कि डैडा क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी इसने भी ना आधे घंटे की नैप ली है बस। हमें लगा था ये भी सोएगी, बट इसने आधे घंटे की नैप ली है। बना रही एक नई तरीके की चटनी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है। टमाटर अच्छे से गलेंगे, उसके बाद ये खड़े मसाले मैंने तेल में रोस्ट करे हैं, इनको एक साथ पीस दूंगी मैं, तो देखते हैं कैसे बनती है। सो ये बनी है वो चटनी, और आप भी बना सकते हैं, बस खड़े मसाले और क्या नाम है टमाटर को पीस के मिक्स कर दो, नमक अपने अनुसार रख लो। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है और साबुत लाल मिर्च भी डाली है। तो आप मुझे देख सकते हैं, मैंने पहना है सूट, क्योंकि हम जा रहे हैं इस्कॉन शिवाना को लेके, और साथ में भैया भी आएंगे, तो वैसा मैं कुछ आज रेडी हुई हूँ। वैसा मैं ऐसी लग रही हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा है। कान में सोच रही हूँ पहनने का, बट आई थिंक अगर मैं मन हुआ तो ऊपर से शिवाना को लेके आई हूँ। फ़ोन करके बुला लिया, पकड़ लो शिवाना को, मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी गर्मी लग रही है। और ये जो मेकअप है ना, 10 मिनट चलेगा बस,
मैं सियाना को प्रॉपरली तैयार करके अच्छे से क्लिप्स वगैरह लगा के बेड पे सजा के रख के आई थी कि जब नीचे उतरूंगी तो उठा लूंगी। और अब मैं गाड़ी में बैठी तो देख रही हूँ क्लिप्स ही नहीं है मालूम है, मतलब ये बेड पे ही ऊपर उतार चुकी है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं सीधा ले आई इसको। मेरे सारे शौक ना, जलजीरा पिला दो। सो मुझे यहाँ दिख रहा है जलजीरे वाला जलजीरा, और मैं बहुत पीती थी इसको, याद होगा शादी से पहले बहुत ज्यादा। अब बीच में क्या दिखता था वहाँ पीले, क्योंकि हम तो पैर में कॉलेज वगैरह ऑफिस वगैरह से निकलते थे। तो एक दे बना दो, एक बना दो जलजीरा। कितना कितना का है? 20 रुपए। कितना? एक हाँ इसमें। अभी पहुंचने वाला हूँ तो फोन कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा जलजीरा शिवानु। नो बेटा नो, दे दो 20 रुपए अंकल को। पी के तो देखो। आहा मस्त बना है, ठीक है दाग चांद पे। अंकल भाई साहब देख रहे हो स्कूटी पे, स्कूटी पे वीआईपी नंबर भाई देख रहे हो फुल नंबर लेके घूम रहे हैं। आ गए हैं इस्कॉन टेंपल, और ये विशाली चेरी देखो, और भैया भाभी भी हैं, और शिवाना को मैंने ले रखा है अपने चेस्ट बैग में। और अब चलते हैं अंदर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दीयू दीयू अभी देख ही नहीं रहा है, अभी देखेगा आराम से। ज्यादा ही हमने अच्छा डिसीजन लिया, संडे को आगे। अरे भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। शूज भी हमने ऐसे ही खोल दिए यहीं पे। आ जाओ चलिए आगे दो भाई। रश हम लोग बाहर निकल गए हैं, वो लोग अभी तक निकले नहीं है, मैं उनका वेट कर रही हूँ। ये लोग कहाँ चले गए? आगे चले गए लग रहा है। भाई कोई क्या खा रहे हो? इतनी गर्मी इतनी भीड़ के बाद मैंने बोला मुझे भैया दूध वाली तो नहीं है ना। नहीं, नहीं ये मैंगो मैंगो बर्फ वाले। ये देखो ये भी खा रही है। चीयर्स। और मैं और भैया पी के हैं सोडा। और उसके बाद आ गए हम अपनी फेवरेट मार्केट टी स्टार पे, और टी स्टार शॉप है, और यहाँ पे हमने ली लेमन आइस टी और लेमन ग्रास आइस टी। देखो छोटू, ये देखो छोटू छोटू बच्चे, एक उधर है एक ये रहा। आज विशाली ने चेरी को फंसा दिया वीआर के चक्कर में। खुद नहीं करते, सबको फंसाती है, खुद तो करती नहीं है। डर रही है, अगर रोए तो दूध पिलाना है। अगर रो रही झूला झूल रहे ऊपर नहीं नीचे, अच्छा ऊपर देख रहे। कितने बड़े बड़े दांत है ना इसके, चलो पीछे भागते हैं। चलो मारो पिट्टी कर, इसके दांत कितने बड़े हैं ना। तेरे पिट्टी कर दो इसके, तेरे हाँ बहुत बड़े। ऊपर देखो, ऊपर देखो,
तो नहीं देखना। भैया की बारी आ चुकी है, भैया कह रहे हैं मैं भी आज दो दो हाथ कर ही लूं जरा वॉल्केनो से। भैया ध्यान से जल वल मत जाना। गाइस हम ट्राई कर रहे हैं चिकन टिक्का रोल। वो देखो चिकन टिक्का खाने वाली बेटा ऐसे खाते क्या? सीधा मुंह लगा रही है वहाँ पे। बड़ी फलूदा, इसका मतलब खाना एंड लास्ट का। भैया उतरे हैं लेने के लिए और ये खा के हम बस घर की तरफ निकल रहे हैं। और शिवाना ने मेरे पैर पे गिरा दी है कोक। गाइस माँ बेटी को नींद आ गई है। कैसे पड़ी हुई शिवाना भाई, थक गए हैं भाई बहुत ज्यादा। और हम लोग चल रहे हैं अब घर की तरफ। घर चल के ऑस्टिन से मिलते हैं एंड अपना दिन खत्म करते हैं। तेरा मेरा बच्चा जो कि आज नहाया है, साफ सुथरा हो गया। इसको मैंने बिच्ची खिला दी आती, अभी कह रहा और दो बिच्ची। पर अब डैडा इसको प्यारी करेंगे। बट लेकिन एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इसका खाना ऐसे ही पड़ा है। हम हमेशा डाल के जाते हैं बट ये खाता नहीं है हमारे पीछे से ना, हमारा वेट ही करता रहता है। बट हम इसको लेके ही नहीं जा सकते थे। जरा आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या चीज है। प्लेन उत्पम है? प्लेन मतलब मसाले, प्लेन उत्पम। ये इसलिए बने हैं क्योंकि चटनी बना चुके हैं, तो चटनी को किसी तरह तो यूज करेंगे। बैटर बहुत सारा ही लग रहा है मुझे वैसे। गाइस मैं पहले उत्पम बना रही थी, मैंने प्लेन उत्पम बिना नमक के शिवाना के लिए भी थोड़ा सा निकाला है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है ना। खा रही है ना, खिलाओ इसे। ये ना बोर हो गई है वो सब खा खा के, तो ये अच्छा लग रहा है उसे और पेट भी भर रहा है और ये हेल्दी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह होता है हमारा दिन खत्म। 11:30 हो गए हैं, अब व्लॉग एंड करने का समय आ गया है। और बहुत ही अच्छा लगा इस्कॉन जाके, ऑल्दो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। बट जब हम वहाँ पर मेन मंदिर में पहुँचे तब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए श्री कृष्ण के और राधा रानी के, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी आई हैं, फ़ोटोज़ आप जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। और आप भी बताओ आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, और जिनको भी अच्छा लगा वो कमेंट्स में राधे राधे लिख देना। और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।